अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजफ्फर खान। आज मैं आपके साथ एक और शॉर्टकट ट्रिक के साथ हाजिर हूँ। आज मैं परसेंटेज का एक इम्पॉर्टेंट आपको फैक्ट बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा, उससे आपको काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिल सकती है। और NTS के अंदर खास करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर वो कह रहा है ए इज एक्स परसेंट, ए इज एक्स परसेंट देन दैट ऑफ बी, वो बी का एक्स परसेंट है, दैट बी इज लेस देन दैट ऑफ ए बाय, वो कह रहा है ए जो है ना वो एक्स परसेंट है बी का, तो जो बी ए से कितना लेस होगा, तो ए बी से कितना लेस होगा तो हमने ये बताना है, ठीक है। यानी कि ए बड़ा है, ए इज अ बिगर यूनिट, ठीक है, और बी छोटा यूनिट है, और लेकिन यहाँ पे वो ये पूछ रहा है कि बी कितना छोटा होगा। तो इसका फार्मूला आप देखिए क्या है, इसका फार्मूला ये देखिए, आप पे क्या कर रहे हैं, एक्स लिख रहे पहले एक्स, ठीक है, ओवर 100 प्लस एक्स इंटू 100 और बाहर परसेंट लगा देना, बाहर परसेंट निकालते हैं क्योंकि परसेंट की बात बताएंगे ना वो कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है। ये देखिए एक्स ओवर 100 प्लस एक्स इनटू 100 बाहर परसेंट का साइन लगा दें, ठीक है, क्योंकि वो पूछ रहा है ए कितने बी ए से कितना छोटा होगा। अब अगला केस आ जाए, इफ ए इज एक्स परसेंट लेस देन दैट ऑफ बी, इसमें ए ग्रेटर है और दूसरे केस में ए लेस है, ए इज लेस देन दैट ऑफ बी, देन बी इज मोर देन दैट ऑफ ए बाय, तो वो बी ए से कितना बड़ा होगा। इधर बता रहा है ए छोटा है, एक्स परसेंट छोटा है बी से, अब वो बार वो कहते हैं बी ए से कितना बड़ा होगा, इसका फॉर्मूला क्या है। इसमें बस आपने एक चीज करनी है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ माइनस करा दे, ये देखिए एक्स ओवर 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू परसेंट, बाहर परसेंट का साइन लगा दे, 100 एक्स ओवर 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, बस देखिए एक्स ओवर 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 ब्रैकेट के क्लोज करके बाहर में परसेंट, ठीक है। अब देखिए अगर पहला चीज आप इसको समझना कैसे है, अगर पहली चीज छोटी हो, अगर पहली चीज वो छोटी बता रहा है, यानी कि अगर यहाँ पर लिखा हो ए इज एक्स परसेंट लेस तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, अगर लिखा हो ए इज ग्रेटर देन एक्स प्लस आएगा, या यहाँ पर लिखा हो ए इज एक्स परसेंट देन दैट ऑफ बी, ये देन दैट ऑफ बी का मतलब तो क्या है, एक्स परसेंट देन दैट ऑफ बी, इसका मतलब है कि ए ग्रेटर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर खुद बता दिया ए इज एक्स परसेंट लेस देन दैट ऑफ बी। तो बस आपने इन साइन का ख्याल रखना है, आप इस फॉर्मूले से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इस तरह का। तो उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा, चैनल पर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलते रहे। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।